इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, छोटी आंत के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द स्टमक, स्टमक की कंटिन्यूएशन है इसोफेगस, देन स्टमक, और ये स्टमक की जो कंटिन्यूएशन होगा इस स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ द स्टमक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर के वहाँ से ये जो स्टमक की जो कंटिन्यूएशन होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। एंड दिस इज़ अबाउट 5 to 6 meters लॉन्ग, 5 से 6 meter लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, सिचुएटेड इन द अबडोमिनल कैविटी। अबडोमिनल कैविटी के अंदर है ये पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स, एंड इट कंटिन्यूज एज लार्ज इंटेस्टाइन। सो उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन बन के आगे निकल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस डायग्राम में, ये स्टमक है और यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर, और यहाँ से जो ये स्टार्ट हो रहा है ये पूरे जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और उसके बाद ये जो दिस पार्ट है, ये जो पार्ट है दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। सो ये स्मॉल इंटेस्टाइन इज बिटवीन द स्टमक, स्टमक ये स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच के पार्ट है, और ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है, और एक कॉइल्ड अप स्ट्रक्चर है, ये कॉइल्ड हो रखा है, ये कॉइल्ड अप स्ट्रक्चर है विद इन द एब्डोमिनल कैविटी। ओके लेट्स सी, सो इट कंटिन्यूज एज लार्ज इंटेस्टाइन। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन गेट्स कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो डाइजेशन जो प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था, तो वो प्रोसेस विल गेट कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो डाइजेशन प्रोसेस गेट्स कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड मेजॉरिटी ऑफ द अब्सॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में मेजॉरिटी अब्सॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स की अब्सॉर्प्शन होती है। तो कंटिन्यूएशन ऑफ द स्टमक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर से स्टार्ट हो रहा है, 5 से 6 meter लॉन्ग है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है ये, इसका कंटिन्यूएशन इट कंटिन्यूज एज लार्ज इंटेस्टाइन। डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है इसके अंदर, और प्रोसेस ऑफ अब्सॉर्प्शन मेजॉरिटी उसी के अंदर होते हैं, या स्मॉल इंटेस्टाइन से मेजॉरिटी न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब किया जाता है। एंड लेट्स सी द पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो पार्ट्स में 3 parts मेन पार्ट्स है, डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम है। यहाँ पे जो सबसे जो ये जो पार्ट है सी शेप्ड पार्ट, ये सी शेप्ड पार्ट है जिसको डियोडेनम कहते हैं। उसके बाद ये जो फर्स्ट पार्ट है जिसको जेजुनम कहते हैं, सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज डियोडेनम, द सेकेंड पार्ट है जिसको जेजुनम, और जो लास्ट पार्ट है उसको इलियम कहते हैं। डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। लेट्स सी डियोडेनम, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की फर्स्ट पार्ट है, 2.5 centimeter लॉन्ग है, एंड इट कर्व्स अराउंड द हेड ऑफ द पैनक्रियाज। हेड ऑफ द पैनक्रियाज कहाँ होंगे, हेड ऑफ द पैनक्रियाज यहाँ पे होते हैं। तो ये एक लीव शेप्ड ग्लैंड यहाँ पे मौजूद रहते हैं पैनक्रियाज, एंड हेड ऑफ द पैनक्रियाज को कर्व करके यहाँ पे डियोडेनम रहते हैं। तो इट कर्व्स अराउंड द हेड ऑफ द पैनक्रियाज, द पैनक्रियाटिक डक्ट ऑफ द पैनक्रियाज ओपन्स इनटू द डियोडेनम। द डियोडेनम में इसके जो पैनक्रियाज के जो डक्ट है इट ओपन्स इनटू द डियोडेनम, और यहाँ पे डियोडेनम में फूड के साथ वो पैनक्रियाटिक जूस में होगा, और फूड के ब्रेक डाउन में मदद भी करेंगे। सो द हेड ऑफ द पैनक्रियाज कर्व्स अराउंड द डियोडेनम, या डियोडेनम कर्व्स अराउंड द हेड ऑफ द पैनक्रियाज, एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट ऑफ द पैनक्रियाज ओपन्स इनटू द डियोडेनम। पैनक्रियाज के पैनक्रियाटिक डक्ट डियोडेनम में खुलते हैं। द ओपनिंग ऑफ द पैनक्रियाटिक डक्ट इज कंट्रोल्ड बाय हेपेटोपैनक्रियाटिक स्फिंक्टर या स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। तो जहाँ पे ये पैनक्रियाटिक डक्ट आके, ये पैनक्रियाटिक डक्ट आके खुल रहा है, और यहाँ पे एक स्फिंक्टर है जिसको स्फिंक्टर ऑफ ऑडी या हेपेटोपैनक्रियाटिक स्फिंक्टर कहते हैं, जो पैनक्रियाटिक जूस के सेक्रेशन को रेगुलेट करते हैं। ओके, सो हेपेटोपैनक्रियाटिक स्फिंक्टर या स्फिंक्टर ऑफ ऑडी उसको कंट्रोल करते हैं। विद इन द डियोडेनम पैनक्रियाटिक जूस बाइल जूस मिक्सेस विद द काइम। काइम मतलब द लिक्विफाइड स्टमक कंटेंट्स है, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होके ये जूसी टाइप का बन गया था, जिसको
और खाइम कहते हैं, खाइम के साथ पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाज से आने वाले पैनक्रियाटिक जूस, और बाइल जूस लीवर से आने वाले, बाइल जूस वगैरह इसके साथ फूड के साथ, फूड कंटेंट के साथ मिक्स होगा। ये सब कहाँ पे हो रहा है? डिओडेनम में हो रहा है। नेक्स्ट है जेजुनम, सेकेंड पार्ट। दिस इज द सेकेंड पार्ट एंड द मिडिल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस इज अबाउट 2 meters लॉन्ग, 2 meters लॉन्ग है एंड इट विल कंटिन्यू एज इलियम। द नेक्स्ट है इलियम, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट इज अबाउट 3 meters लॉन्ग एंड द इलियम ओपन्स इन टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। द इलियम फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन में खुलेगा। मान लीजिए ये इलियम, इट ओपन्स इन टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की फर्स्ट पार्ट से अटैच होगा एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड सीकम। सो इलियम ओपन्स इन टू द सीकम, इलियम द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन्स इन टू द सीकम। ये सीकम है लार्ज इंटेस्टाइन की, ये सीकम है और ये इलियम है और इसके बीच में यहाँ पे एक वाल्व है इलियम और सीकम के बीच में, उस वाल्व को इलियोसीकल वाल्व कहते हैं, इलियोसीकल वाल्व। वो इलियम से जो स्टमक कंटेंट्स, इंटेस्टाइनल कंटेंट्स जो सीकम में जाएगा तो उसको रेगुलेट करते हैं, उसकी फ्लो को रेगुलेट करते हैं, प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट्स, इसकी बैक फ्लो को भी रोकते हैं वो। दोबारा ये लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल कंटेंट्स ना आए उसमें भी वो मदद कर रहा है और उसके कंटेंट्स के आगे के फ्लो को भी रेगुलेट करने में मदद कर रहा है इलियोसिकल वाल्व। तो लास्ट पार्ट है, 3 meters लॉन्ग है, वहाँ पे जो इलियम है सीकम में खुलते हैं, वहाँ पे जो वाल्व है जिसको इलियोसिकल वाल्व कहते हैं वो बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। द नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स कैसे बने। The wall of the small intestine has the same structure as that of the elementary tract. Elementary tract के basic structure जो हमने already discuss किया था वैसी ही, तो कुछ changes है। There is a fold of peritoneum, एक peritoneum सबसे बाहर की जो layer, सबसे बाहर serosa है, peritoneal layer है और उसके अंदर muscularis है, फिर submucosa है और सबसे अंदर mucosa है और ये इसकी ल्यूमन है जिसके अंदर इंटेस्टाइनल कंटेंट्स या फूड रहते हैं, फूड कंटेंट्स रहेंगे। तो ये सबसे बाहर की जो लेयर है जिसको पेरिटोनियम कहते हैं एंड ये पेरिटोनियम या सिरोसा या जिसको मीसेंटरी कहते हैं, मीसेंटरी या पेरिटोनियम विच इज वो एक फोल्ड जैसा बना हुआ है जो स्मॉल इंटेस्टाइन को पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में अटैच करके रखने में मदद कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लेयर है जो स्मॉल इंटेस्टाइन को और लार्ज इंटेस्टाइन को पीछे एब्डोमिनल वॉल में अटैच करके रखने में मदद करेगा उसको कहते हैं मिसेंट्री। ये मिसेंट्री इस स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर कर रहा है, आउटर कवरिंग है और आउटरली वो कवर करके पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में उसको जाके अटैच करके रखने में मदद कर रहा है मीसेंटरी, उसको कहते हैं मीसेंटरी विच अटैचेस द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। और उसके अंदर सबसे बाहर हो गया पेरिटोनियम और यही पेरिटोनियम है जो एक फोल्ड ऑफ मेम्ब्रेन बना के पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में उसको अटैच करके रख रहा है और उसके अंदर एक जो लेयर है जिसको मस्कुलारिस कहते हैं, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स और इनर सर्कुलर मसल फाइबर्स हैं और उसके अंदर सब म्यूकोसा है और सबसे अंदर वाले जो लेयर है म्यूकोसा, म्यूकोसा ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज सर्कुलर फोल्ड्स। तो उसमें सर्कुलर फोल्ड है, आप देखिए सबसे अंदर सर्कुलर फोल्ड्स देखने को मिलेगा, ये सर्कुलर फोल्ड खोल के भी दिखाया। तो उन सर्कुलर फोल्ड्स को रोगे कहते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज रोगे बट दे आर परमानेंट फोल्ड्स। हमने स्टमक में देखा था टेम्पररी फोल्ड है, जैसे फूड स्टमक में भर जाएंगे तो वो स्ट्रेच आउट हो जाएंगे और डिसअपियर हो जाते हैं, तो यहाँ पे दे डोंट डिसअपियर, वो हमेशा रहेगा, परमानेंट फोल्ड है। दे डो नॉट डिसअपियर इवन वन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज फिल्ड विथ फूड कंटेंट्स या इंटेस्टाइनल कंटेंट से भर भी जाता है तब भी वो ऐसी एसिडिटीज रहेगा, इन्होंने रोगे कहते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे बाहर के जो कवरिंग है जिसको पेरिटोनियम या सिरोसा कहते हैं एंड यही सिरोसा डबल लेयर बन के मिसेंट्री बन के
पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में अटैच करके रखते हैं, वो हमने डिस्कस किया था। फिर उसके अंदर जो है ये है मस्कुलर लेयर, ये पूरी जो लेयर है जिसको मस्कुलरिस कहते हैं, मस्कुलर लेयर है। तो आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स देखने को मिलेगा और अंदर सर्कुलर मसल फाइबर्स हैं, और उसके अंदर सब म्यूकोसा है, और ये जो सबसे अंदर वाले जो जो दिख रहा है वो म्यूकोसा है, और उसमें सर्कुलर फोल्ड है जिसको रूगे कहते हैं। एंड इन रूगे में इनके सरफेस में छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, जिसको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो रहेगा उसको विल्लाई कहते हैं, जो अब्सॉर्प्शन में मदद करेगा, न्यूट्रिएंट्स के अब्सॉर्प्शन में। द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ग्रेटली इंक्रीज्ड बाय द सर्कुलर फोल्ड्स, ये जो सर्कुलर फोल्ड्स रोगे सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, और उनमें जो विल्लाई है वो भी सरफेस एरिया को बढ़ाने में इंक्रीज करने में मदद कर रहा है, और उन विल्लाई के ऊपर बहुत छोटे छोटे जो विल्लाई है माइक्रो विल्लाई, वो भी सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में मदद कर रहा है। और जो विल्लाई है दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द म्यूकोसा ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा के सरफेस पे मौजूद ऐसे मिलियंस ऑफ इस प्रकार के जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को विल्लाई कहते हैं। विल्लाई लगभग 0.5 से 1 mm लॉन्ग रहते हैं, एंड जो म्यूकोसा इज लाइंड विथ कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स, वहाँ पे कॉलम लाइक सेल्स है, एंड इसी के ऊपर भी विल्लाई देखने को मिलेगा। सो कॉलम लाइक सेल्स या कॉलमनार एपिथेलियम से बने हैं, एंड उन सेल्स को एंटरोसाइट्स कहते हैं। एंटरो मीन्स एंटरिक, एंटरो मीन्स इंटेस्टाइन, तो उनके जो सेल्स हैं जिसको एंटरोसाइट्स कहते हैं, आप देख सकते हैं इन सेल्स को, ये जो सेल्स हैं इन्हें एंटरोसाइट्स कहते हैं, ये सबसे एंटरोसाइट्स है, और ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड दिस, ये जो है दिस इज विलाई, विल डिस्कस अबाउट इट। तो ऑन द सर्फेस ऑफ द मेम्ब्रेन देयर आर माइक्रोविलाई प्रेजेंट, इनके ऊपर माइक्रोविलाई भी मौजूद है, विलाई के ऊपर माइक्रोविलाई, एंड दे आर 1 micrometer लॉन्ग है, बहुत छोटा है। एंड ईच विलाई एनक्लोजेस ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फ कैपिलरीज विद इन इट, आप इसके अंदर देखो तो ये ब्लड कैपिलरी और लिम्फ कैपिलरी वगैरह इसके अंदर मौजूद है। एंड द लिम्फ कैपिलरीज आर कॉल्ड लैक्टियल्स, इसमें आप देखें ये जो दिख रहा है अंदर ये लिम्फ कैपिलरी है, द माइन्यूट लिम्फ वेसल्स जिन्हें लिम्फ कैपिलरी कहते हैं, और उसको लैक्टियल्स कहते हैं, लैक्टियल तो उन्हें लैक्टियल्स कहते हैं सीधा, तो लैक्टियल्स हैं, लिम्फ कैपिलरीज को लैक्टियल कहते हैं। एंड दैट हेल्प्स इन द अब्सॉर्प्शन ऑफ फैट एंड फैट सोल्यूबल वाइटामिन के अब्सॉर्प्शन में ये मदद करेगा। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन गेट्स कम्प्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एज आई डिस्कस्ड अर्लियर, तो वो पूरे जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कम्प्लीट हो रहा है, एंड अब्सॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन्स टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, कार्बोहाइड्रेट की फैट की प्रोटीन की इन सब के जो एंड प्रोडक्ट्स है ब्रेक डाउन होके वो उसके अब्सॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, और वो अब्सॉर्प्शन होंगे इन विलाई में, तो ये विलाई के अंदर वो कहाँ चले जाएंगे, इन कैपिलरीज के अंदर, ब्लड कैपिलरी और लिम्फ कैपिलरी के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स चला जाएगा, और ब्लड कैपिलरी और लिम्फ कैपिलरी उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में वो उसको लेके जाएंगे। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स आर, तो इसके अलावा इंटेस्टाइन के अंदर जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है कहाँ पे, स्टमक में, वैसे ही यहाँ पे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है बिटवीन द विलाई, ये विलाई देन एक गड्ढा है, फिर एक विलाई, फिर उसके बीच में गड्ढा, तो इन जो गड्ढों को या ऐसे म्यूकोसा के अंदर डिप्रेशंस बने हैं, और इन ग्लैंड्स को, ये ग्लैंड्स बने हैं एंड उन्हें इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं, वो भी क्या करेगा, इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेट करेंगे इनटू द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के ल्यूमन में इंटेस्टाइनल जूस को सेक्रेट करेंगे, और वो भी डाइजेशन में मदद करते हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स सेक्रेट इंटेस्टाइनल जूस दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन प्रोसेस। द सुपरफिशियल सेल्स ऑफ द विलाई, ये सेल विलाई की जो सुपरफिशियल सेल्स है वो झड़ते रहते हैं, वो निकलते रहते हैं, शट ऑफ होते रहते हैं कंटिन्यूसली इन अबाउट 3 to 5 days में, लगातार वो रिप्लेस होते रहते हैं। थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन
देर आर लार्ज नंबर ऑफ लिम्फ नोड्स या लिम्फैटिक टिश्यूज प्रेजेंट है म्यूकोसा में, सब म्यूकोसा में। द स्मॉलर वंस आर कॉल्ड सॉलिटरी लिम्फ फॉलिकल्स, छोटे छोटे हैं जिसको सॉलिटरी लिम्फ फॉलिकल्स कहते हैं, लार्जर वन को एग्रीगेटेड लिम्फ फॉलिकल्स कहते हैं। एग्रीगेटेड मतलब एक साथ इकट्ठा हुआ हो, एग्रीगेटेड लिम्फोइड फॉलिकल्स या पेयर्स पैचेस कहते हैं। एंड ये पेयर्स पैचेस दे आर सिचुएटेड टुवर्ड्स द डिस्टल एंड ऑफ द इलियम, इलियम के लास्ट पार्ट में। अब यहाँ पे देखिए ऐसे ही जो ये पैचेस जैसे दिखता है, निशान दिख रहे हैं, ये म्यूकोसा में है। एंड इन्हें पेयर्स पैचेस कहते हैं। एंड ये पेयर्स पैचेस दे आर सिचुएटेड मोर इन नंबर्स टुवर्ड्स द डिस्टल एंड ऑफ द इलियम, इलियम के डिस्टल एंड में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। एंड वो किस में मदद करेगा, दे विल फाइट अगेंस्ट माइक्रोब्स रीचिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करने में ये मदद करते हैं। तो ये सबसे बाहर जो है, सबसे बाहर की जो लेयर है जिसको सिरोसा कहते हैं, जो मेसेंट्री भी बना रहे हैं। फिर उसके अंदर मस्कुलारिस है जिसमें आउटर लॉन्जिट्यूडनल मसल फाइबर्स और इनर सर्कुलर मसल फाइबर्स हैं। उसके अंदर म्यूकोसा, ये म्यूकोसा में पेयर्स पैचेस हैं, वहाँ पे ये सर्कुलर फोल्स रूखे कहते हैं, वहाँ पे विलाई है, माइक्रोविलाई है, ये सब हमने डिस्कस किया था। और वहाँ पे क्या इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है जो कि इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेट करते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया था विलाई में। उसके अंदर कैपिलरीज है, लिम्फ कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज वगैरह है, जिसमें फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स वगैरह डाइजेस्ट होके उसमें अब्जॉर्ब होगा। ओके, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।